हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूं एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है गुमी हूं, जो कि साल 2010 में रिलीज हुआ है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दायवोंग नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक लड़की से बचकर भाग रहा था, पर वो उसको पकड़ ही लेती है। फिर सीन सीधा फ्लैशबैक में आ जाता है। दायवोंग एक एक्टर बनना चाहता था और वो रोजाना एक्शन शूट किया करता था कि शायद वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाए। इसके दो दोस्त भी होते हैं, बियोंगसू और यूई, पर दायवोंग के ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। वो तो चाहते थे कि दायवोंग मिलिट्री सर्विस दे, इसलिए वो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर दायवोंग उनको चकमा देकर वहां से भाग आता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुजारी टेम्पल में दिखाया जाता है। वो कुछ लोगों को यहाँ पर टंगी एक पेंटिंग की कहानी बता रहा था। ये कहानी थी सात पूछो वाली लोमड़ी की, कि बहुत हजारों सालों पहले ये बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए गांव के सारे मर्द उसके पीछे पागल थे। और इसी वजह से गांव की सारी औरतों ने तंग आकर एक देवी से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, और उसने उस लोमड़ी को इस पेंटिंग में कैद कर लिया, और वो जब से ही इसी पेंटिंग में कैद है। और वो लोमड़ी अब तक यही मंडरा रही थी कि शायद कोई आकर उसको इस जेल से बाहर निकाल दे। और वहीं दायवोंग भी भागते हुए एक सुनसान जगह आ जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर ये टेम्पल था। यहाँ ना मोबाइल नेटवर्क था और ना ही कुछ, तो वो एक आदमी से लिफ्ट मांगता है। ये वही पुजारी होता है। वो उसको अपने घर ले आता है और उसको अपना फोन भी इस्तेमाल करने देता है। दायवोंग नेटवर्क ढूंढते हुए उसी टेम्पल के पास आ जाता है और अपनी अंट को कॉल करने लगता है। तभी अंदर से वही लोमड़ी उसको पुकारती है। दायवोंग तो वहां से भागना चाहता था, पर डर के मारे वो टेम्पल के अंदर ही घुस जाता है और वो लोमड़ी की सारी कही बातें मान रहा था। वो लोमड़ी उसको पेंटिंग पर उसकी सात पूछे बनाने के लिए कहती है। डरते हुए दायवोंग भी उस पेंटिंग पर पूछ बना देता है, और उसके ऐसा करते ही बिजलियां कड़कने लगती है और लोमड़ी वहां से आजाद हो जाती है। तभी पुजारी भी ये नोटिस कर लेता है कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, तो वो वहां जाने लगता है। उसको बहुत फिक्र हो रही थी। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां कोई भी नहीं था, ना दायवोंग और ना ही उस पेंटिंग पर बनी लोमड़ी। वो उस पेंटिंग से गायब हो चुकी थी। पुजारी बहुत चिंता में आ जाता है। वहीं दायवोंग जंगल में भागते हुए एक जगह से गिर जाता है, जिस कारण उसको बहुत गंभीर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वो बिल्कुल मरने की हालत में था, पर वो लोमड़ी, इसका नाम गुमीहो होता है, वो दायवोंग को अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है और उसके अंदर अपनी शक्तियां डाल देती है। अब सुबह जब दायवोंग की आंख खुलती है तो वो मीहो को देखकर कहता है, वाह कितनी सुंदर लड़की है। फिर मीहो उसको सब बताती है कि वही उस पेंटिंग की लोमड़ी है जिसको तुमने आजाद किया है। पर दायवोंग उसको पागल समझ रहा था और उसे पीछा छुड़वाने की तरकीब सोचने लगता है, क्योंकि उसका ऑडिशन का टाइम करीब आ रहा था। वे जंगल पार करके शहर में आ जाते हैं, पर यहाँ पर भी गुमीहो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो वो उसको खिलाता पिलाता है। और मीहो की सबसे पसंदीदा चीज थी वो थी गोश्त, वो बस खाए ही जा रही थी। फिर दायवोंग बहाने से उसको वहीं छोड़ जाता है, पर मीहो ऐसे कैसे मानने वाली थी। वो बस उसका पीछा ही करती रहती है और उसको सूंघते हुए उसके पास पहुंच जाती है। दायवोंग जब उसको फिर से देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उसको कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, अपने काम से काम रखो और मुझे बख्श दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मीहो कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, और अगर मैंने उनको ले लिया तो तुम मर जाओगे। दायवोंग को उसकी सारी बातें बकवास लग रही थी। फिर गुमीहो उसको कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें चांदनी रात में अपनी असली पूंछ जरूर दिखाऊंगी। पर दायवोंग उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है क्योंकि उसको ऑडिशन देना था। वहीं टेम्पल में एक लड़का उसी पेंटिंग को देखने के लिए आता है। इसका नाम जोंगडू होता है। ये शायद कोई शिकारी था। वो मीहो को चेतावनी देते हुए कहता है कि अब तो तुम मारी जाओगी, तुम्हारी जगह इस पेंटिंग में है, ना कि इस असल दुनिया में। वही दायवोंग अपने घर पहुंच जाता है और आते ही अपने दोस्तों से मिलता है और अपने दोस्त बियोंगसू को सारी कहानी बता देता है कि कैसे उसको वो लड़की मिली। बियोंगसू तब नोटिस भी करता है कि दायवोंग की कमर पर बहुत गंभीर निशान थे, पर दायवोंग को तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ये शायद गुमीहो की शक्तियों की वजह से था। दायवोंग घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसको अपने ग्रैंडपा से बचना था, तो वो वहीं एक्शन स्कूल में रहने का फैसला करता है। देर रात हो गई थी तो उसके दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं।
अब वो यहाँ पर अकेला था और उसको बार बार मीहू की याद आ रही थी कि उसने उसको क्या कहा था कि वो मर जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद मीहू भी वहाँ आ जाती है। उसको देखकर तो दाइवोंग बहुत चौंक जाता है कि उसको उसकी जगह का पता कैसे लगा। चांदनी रात भी हो चुकी थी तो मीहू उसको अपनी पूंछे दिखा देती है। इन्हें देखकर तो दाइवोंग के होश उड़ जाते हैं। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मीहू उसके पास आती है और उससे अपनी शक्तियां लेने लगती है। ऐसा करते ही दाइवोंग फिर से ठीक होने लगता है। और अब जब सुबह दाइवोंग की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने मीहू को देखकर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसको उसकी असलियत का पता चल चुका था और वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। पर मीहू उसको पकड़ ही लेती है और कहती है कि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, जब तक वो मुझे वापस नहीं मिल जाती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इस डर के कारण दाइवोंग को अब उसके साथ रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दाइवोंग के ग्रैंडपा को भी पता चल जाता है कि वो किसी लड़की के साथ रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ जोंगडू भी मीहू को तलाश कर रहा होता है और उसको लकीली दाइवोंग का नंबर भी मिल जाता है। और वहीं दाइवोंग की आंटी की अलग ही लव स्टोरी चल रही थी। उसको एक आदमी मिलता है और उससे बहुत अच्छे से बर्ताव करता है, जिस कारण उसकी आंट अब उस आदमी पर फिदा हो चुकी थी। इसके बाद दाइवोंग के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और मीहू को तो रोज़ाना गोश्त चाहिए था, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर दूसरे लड़कों से पैसे मांगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। वो अपने साथ मीहू को भी ले आया था पर वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी, तो दाइवोंग उसको बाहर ही छोड़कर अंदर चला जाता है और जाते ही लाइब्रेरी में घुसता है और वहाँ पर मीहू के बारे में सब कुछ पढ़ता है। और उसको अब मीहू के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, तो वो मीहू को अलग कमरे में लेके जाता है ताकि कुछ बातें कर सके कि तभी वहाँ पर दाइवोंग की फ्रेंड यूई आ जाती है और उन दोनों को साथ देख लेती है। और उसको लगता है कि मीहू दाइवोंग की गर्लफ्रेंड है। उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो दाइवोंग को कहीं ना कहीं पसंद किया करती थी, वो उसका क्रश था, पर अब उसका भी दिल टूट गया था। इसके बाद जोंगडू को दिखाया जाता है जो कि प्लानिंग के साथ दाइवोंग को अपने पास बुला लेता है कि उसके लिए एक पार्सल है और उसे जल्द ही डिपार्टमेंट ऑफिस आना होगा। दाइवोंग और मीहू वहां पर जाने लगते हैं। जोंगडू आज मीहू को ख़त्म करने वाला था, पर जैसे ही वो मीहू को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और सीन सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को मार रहा था जो कि बिल्कुल मीहू की तरह दिखा करती थी। इसका नाम किल्तारा था और जूटोंग तो उसको पसंद करता था, पर उस लड़की ने किसी इंसान के प्यार में पड़कर अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी। जूटोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीहू की शक्ल बिल्कुल किल्तारा से मिलती है, तो वो उसको मारने से रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिन मीहू और दाइवोंग को दिखाया जाता है। दाइवोंग मीहू को बहुत शराब पिला देता है और उससे उसकी कमियों के बारे में पूछता है, जिससे उसको पता चलता है कि मीहू को समुद्र से बहुत डर लगता है। अब दाइवोंग के पैसे भी ख़त्म हो गए थे और मीहू को तो रोज गोश्त चाहिए था, वो उससे बिल्कुल ही परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दाइवोंग की आंट उसी आदमी को एक लड़की के साथ देखती है। उसको लगता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसका भी दिल टूट जाता है। इसके बाद दाइवोंग ये सारी परेशानी अपने दोस्त बियोंगसू को शेयर करता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब तंग आकर वो अपने दादाजी के गार्डन में मछलियाँ चुराने चला जाता है ताकि मीहू का पेट भर सके, पर उसके दादाजी उसको पकड़ लेते हैं। वहीं जब बियोंगसू मीहू के साथ था तो तभी वहाँ हायन नाम की लड़की आ जाती है। दरअसल ये दाइवोंग की बेस्टी होती है और जब वो मीहू से मिलती है तो मीहू उसको कहती है कि मैं दाइवोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो हायन को कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ दाइवोंग भागा भागा आ जाता है और हायन के सामने कह देता है कि नहीं नहीं, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हायन सब सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दाइवोंग मीहू पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से हायन नाराज होकर चली गई है। फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि मीहू सिर्फ एक मामूली लड़की है और वो ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गई है। हायन उसकी बातों पर यकीन करती है। फिर वो उसको उसके साथ चलने के लिए कहती है ताकि वे एक साथ टाइम स्पेंड कर सके, पर तभी मीहू वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, जब तक तुम किसी भी लड़की के करीब नहीं आ सकते वरना तुम मर जाओगे। ये सुनकर दाइवोंग डर जाता है
हाइन उसको बुलाती रह जाती है पर वो नहीं आता, तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब दाइवोंग मीहो से बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे दूर जाने लगता है, पर मीहो उसका पीछा ऐसे कैसे छोड़ने वाली थी। वहीं जू डोंग भी उन दोनों पर नजर रख रहा था। इसके बाद दाइवोंग की आंट को दिखाया जाता है, वो एक्शन स्कूल में आती है ताकि दाइवोंग से मिल सके और उसको वापस घर ला सके। पर यहाँ उसको वही आदमी मिलता है जो कि उसकी अक्सर हेल्प किया करता था, और यहाँ पता चलता है कि ये आदमी एक डायरेक्टर होता है और दाइवोंग की फ्रेंड यूई का फादर भी। और यहाँ पर ये फिर से दाइवोंग की आंट को गिरने से बचा लेता है। जब भी उसकी आंट को पता चल जाता है कि उस दिन जिसको उन्होंने देखा था वो असल में डायरेक्टर की बेटी थी, तो वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि डायरेक्टर सिंगल है। वहीं दाइवोंग और मीहो घर जाने लगते हैं, तभी दाइवोंग नोटिस करता है कि मीहो एक लड़की के साथ खेलते हुए उसका हाथ खाने की कोशिश कर रही थी, तो वो बहुत डर जाता है और उसको बस से उतार देता है। पर दिक्कत ये हो गई थी कि उसका फ़ोन बस में ही छूट जाता है। इस बात से वो बहुत बेचैन हो जाता है और मीहो को फिर से सुनाने लगता है। मीहो उसकी डांट सुनकर फिर से उदास हो जाती है। वो जल्दी से बस के पीछे भागती है और उसका फ़ोन वापस ले आती है। अपने फ़ोन को वापस देखकर दाइवोंग बहुत ही खुश होता है और मीहो का थैंक यू करता है, पर वो ध्यान देता है कि मीहो भागने से बहुत थक गई थी और इसका कारण पूछता है। तो मीहो उसको बताती है कि हाँ, अब मैं थक जाती हूँ क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं। फिर वो दाइवोंग को हक करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी शक्तियों का ध्यान रखना, मुझसे वादा करो। वहीं दूसरी तरफ हम बियोंगसू और यूई को देखते हैं। यूई बहुत ड्रंक थी, वो उदास भी थी क्योंकि दाइवोंग किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका था। यूई को उदास देखकर बियोंगसू उससे कहता है कि दाइवोंग नहीं तो मैं ही सही, तुम मुझे डेट कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर यूई उसको उसके मुंह पर ही रिजेक्ट कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी से मीहो टकरा जाती है। मीहो को तो वैसे कुछ नहीं होता, तो वो उठकर फिर से भागने लगती है क्योंकि वो अपने चिकन कूपन को पकड़ना चाहती थी। वो कूपन बहुत उड़ रहा था, वो उस कूपन को उड़ उड़कर पकड़ रही थी। और डायरेक्टर उसको ये करते हुए देख लेता है और उसके मन में आता है कि मैं इसको अपनी मूवी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये बिल्कुल एक सुपर वूमन की तरह है, मेरे एक्शन सीन बहुत हिट होंगे। अब अगले दिन दाइवोंग के ग्रैंडफादर भी एक्शन स्कूल में उसको देखने के लिए आ जाते हैं कि वो यहाँ कैसे रह रहा है। यहाँ पर वो मीहो और दाइवोंग को बातें करते हुए सुनते हैं। दाइवोंग मीहो से कह रहा था कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करो। ये बात सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा नाकारा बच्चा किसी को खुश रखने के लिए इतना काम कर रहा है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि अब उनके लड़के को सिर्फ यही लड़की बदल सकती है। दरअसल आज दाइवोंग का ऑडिशन होता है और वहीं हम देखते हैं कि हाइन भी इस मूवी में एज अ हीरोइन ऑडिशन देने वाली थी। तभी उसको पता चलता है कि डायरेक्टर एक लड़की की तलाश में है जिसके लंबे बाल हैं और उसने वाइट स्कर्ट पहनी है। ये बात हाइन सुन लेती है तो वो जल्दी से मॉल में चली जाती है ताकि वो भी अपना ऐसा गेटअप बना सके और ऑडिशन में फाइनल हो जाए। और इसी मॉल के अंदर दाइवोंग और मीहो भी आए होते हैं। मीहो वहाँ पर टेस्ट काउंटर से बहुत सारा खाना टेस्ट करती है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं पर जू डोंग भी आया होता है और अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके मीहो को मैसेज भेजता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सेवन टेल फॉक्स हो, तुम्हारा यहाँ कोई भी वजूद नहीं है, अपनी जगह वापस जाओ। तो मीहो उस आवाज़ का पीछा करते करते जू डोंग से मिलने चली जाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, उस पेंटिंग में है। पर मीहो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ ही अच्छा लगता है, मैं एक इंसान की तरह रहना चाहती हूँ, और वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर वो मॉल के अंदर घूमने लगती है, तभी उसकी टक्कर हाइन से हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीहो जवाब देती है कि मैं तो यहाँ दाइवोंग के साथ आई हूँ। उसका ये जवाब सुनकर हाइन बहुत चिढ़ जाती है और उन दोनों में थोड़ी अनबन होने लगती है, जिस वजह से हाइन जमीन पर गिर जाती है और उसकी ड्रेस भी मीहो के कारण खराब हो जाती है। तभी वहाँ दाइवोंग भी आ जाता है। हाइन सारा इल्ज़ाम मीहो पर लगा देती है कि इसी की वजह से मैं गिरी हूँ और इसने मेरी ड्रेस भी खराब कर दी है, मुझे ऑडिशन के लिए जाना था, अब मेरी ड्रेस खराब हो गई है, मैं इस ऑडिशन में फेल हो जाऊँगी। ये सुनकर दाइवोंग को बहुत बुरा लगता है और वो पूरे मॉल में तलाशता है पर उसको कोई भी वाइट ड्रेस नहीं मिलती है।
तो वो दूसरे मॉल में जाकर एक सुंदर सी वाइट ड्रेस लेकर आता है और हाइन को लाकर दे देता है। पर इन सब के बीच उसका ऑडिशन का टाइम निकल जाता है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। मीहो उसको उदास देखते हुए उसके पास आती है, पर दायवंग मीहो को देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से आज मैं ऑडिशन पे नहीं जा पाया, मेरा सपना अधूरा रह गया। ये सुनकर मीहो बहुत परेशान हो जाती है और अब दायवंग मीहो से बहुत परेशान हो गया था, तो वो उसको एक शिप पर ले जाता है। मीहो पहले बहुत घबरा रही थी क्योंकि उसको पानी से बहुत डर लगता था, पर दायवंग उसको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाता है और उसको वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से भाग आता है। मीहो उसको सामने भागते हुए देखती है और उसको बहुत आवाज़ें लगाती हैं, पर दायवंग उसको अनसुना करके भागता ही चला जाता है। ये सब देखकर मीहो को पता चल जाता है कि दायवंग उसको अकेला छोड़ गया है, जिस कारण वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।